नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। राजभवन के सामने धरना पर बैठे टाना भगत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले झारखंड के टाना भगत शुक्रवार को राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष धरने पर बैठ गए। बता दें, टाना भक्तों का समूह मौन प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि टाना भक्तों का प्रदर्शन अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर है। फिलहाल वह इस बारे में किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले टाना भक्तों ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। दरोगा का ऑडियो वायरल, 50 को मार चुका हूँ, 51वां नंबर भैरव सिंह का होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर रांची में हुए हमले के बाद झारखंड पुलिस में हकम मचा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी इसको लेकर सख्त हैं। बता दें, इस बीच रांची के एक दरोगा का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में दरोगा सीएम के काफिले पर हमले के मामले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह के भाई शक्ति सिंह के कथित तौर पर बात कर रहे हैं। बता दें, दरोगा शक्ति सिंह को भैरव सिंह की लाश गिराने की धमकी देते हुए कह रहे हैं कि वह अब तक 50 लोगों को मार चुके हैं, 51वां नंबर भैरव सिंह का होगा। गढ़वा में 11,000 रिश्वत लेते रोजगार सेवक को एसीबी ने दबोचा। गढ़वा में शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने एक रोजगार सेवक को 11,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बता दें, मामला गढ़वा जिला के डंडई प्रखंड अंतर्गत करके पंचायत का है। यहाँ के रोजगार सेवक शैलेश कुमार को शुक्रवार दोपहर पलामू से आई एसीबी की टीम ने 11,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथे दौर दबोचा है। इसके बाद एसीबी की टीम आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रोजगार सेवक को अपने साथ मेदिनीनगर ले गई। 10 से 25 लाख के इनामी नक्सलियों का फोटो जारी। झारखंड व चतरा पुलिस प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। संगठन को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में 10 से 25 लाख के इनामी नक्सली का पुलिस ने पोस्टर भी जारी किया है। बता दें, चतरा एसपी ऋषभ कुमार झा ने कहा कि चारों नक्सलियों की तस्वीर सार्वजनिक स्थलों पर भी चिपकाया जाएगा। चतरा में विधवा के साथ 4 युवकों ने किया गैंगरेप। रांची के बाद झारखंड के चतरा जिले में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। बता दें, यहाँ 4 युवकों ने विधवा से गैंगरेप कर प्राइवेट पार्ट में गिलास डाल दिया। उसके बाद महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे स्वास्थ्य उपकेंद्र में भर्ती कराया गया है। बता दें, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश चल रही है। बर्ड फ्लू पर हाई अलर्ट, 1977 सैंपल जांच के लिए भेजे गए कोलकाता। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए झारखंड में भी हाई अलर्ट किया जा चुका है। बता दें, सरकार ने एहतियात के तौर पर राज्य भर से पक्षियों और मुर्गियों के 1977 सैंपल लेकर जाँच के लिए कोलकाता भेजा है। पशुपालन निदेशक नयसी सहाय ने बताया कि झारखंड में फिलहाल एक भी बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है। हालांकि दूसरे राज्यों की स्थिति को देखते हुए सरकार सतर्कता बरत रही है। 1977 सैंपल लेकर जांच के लिए RDDL लैब कोलकाता भेजे गए हैं। झारखंड में अकेले रहने वाले वृद्ध और दिव्यांग राशन कार्डधारियों के घर पर मिलेगा राशन। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला समेत सूबे के सभी 24 जिलों में अब अकेले रहने वाले वृद्ध और दिव्यांग राशन कार्डधारियों को घर तक राशन किरोसिन पहुँचाया जाएगा। बता दें, अपनी तरह की नई योजना के लिए राज्य सरकार ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इसी वित्तीय वर्ष में यह योजना शुरू करने की तैयारी खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने की है। झारखंड में 5 साल में 211 महिलाओं को डायन बिसाई का मार डाला। झारखंड में 2015 से अक्टूबर 2020 तक डायन बिसाई के आरोप में 211 महिलाओं की हत्या की गई है। इसमें सर्वाधिक चाईबासा की 40, गुमला 32, खुट्टी 29, सिमडेगा 22 और रांची 20 शामिल हैं। बता दें, झारखंड पुलिस के रिकॉर्ड में वर्ष 2015 से अक्टूबर 2020 तक 4658 डायन अधिनियम से जुड़े मामले विभिन्न जिलों के थानों में दर्ज किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गढ़वा में 1278 व पलामू में 446 मामला दर्ज है। झारखंड में 207 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1043 है, वहीं एक्टिव केस 1465 है। भारत में 18,453 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 150,835 है, वहीं भारत में एक्टिव केस 221,447 बचे हैं। पहली से 8वीं और 9वीं से 12वीं तक के लिए अलग अलग कैलेंडर जारी। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए पहली बार राज्य स्तर पर एकेडमिक कैलेंडर बनाया गया है। बता दें, JCERT द्वारा सत्र 2021-22 के लिए तैयार इस कैलेंडर में
पठन पाठन के साथ वर्ष भर स्कूलों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं, खेलकूद व अन्य गतिविधियों की तिथि भी निर्धारित की गई है। स्कूलों में आंतरिक परीक्षा की तिथि भी एकेडमिक कैलेंडर में तय है। जानकारी के अनुसार यह एकेडमिक कैलेंडर फरवरी के अंत तक जारी कर दिया जाएगा और सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। बिल्ली को बचाने के क्रम में बस पलटी, 10 मजदूर घायल। रांची के बुड्डू में एक बस पलट गई, इसमें 10 लोग घायल हो गए हैं। बता दें, बस मजदूरों को लेकर मोतिहारी से विजयवाड़ा जा रही थी। शुक्रवार को शाम 4 बजे के करीब एक बिल्ली को बचाने के क्रम में बस पलट गई है। इसमें बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए हैं। इसमें राजकुमार, तूफानी मांझी और अनिल यादव की हालत चिंताजनक है। झारखंड में 2 हफ्ते में शुरू होगा कोर्ट कचहरी। झारखंड में 2 हफ्ते में तमाम कोर्ट कचहरी खुल जाएंगे। बता दें, राज्य की सभी अदालतों में फिजिकल सुनवाई 2 सप्ताह के अंदर शुरू होगी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में गुरुवार को यह महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। मार्च में सीएम करेंगे पावर ग्रिड का उद्घाटन। चतरा के इटखोरी प्रखंड के चोरकारी गांव में नवनिर्मित पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन इसी वर्ष मार्च के महीने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों किया जाएगा। बता दें, पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन होने के पश्चात चतरा जिला को 24 घंटा बिजली उपलब्ध होगी। इसके बाद चतरा में बिजली की किल्लत समाप्त हो जाएगी। यह बात शुक्रवार को राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पावर ग्रिड सब स्टेशन का स्थल निरीक्षण करने के पश्चात कही। रांची की पहचान अब एजुकेशन हब के रूप में होगी। झारखंड की राजधानी रांची की पहचान अब एजुकेशन हब के रूप में होगी। वैसा एजुकेशन हब जहां पर गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा का बेहतर प्रबंध हो। शुक्रवार को मुंबई में आयोजित स्वर्ण रेखा समिट में रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सीईओ अमित कुमार ने यह बात कही। धान अधिप्राप्ति केंद्र का औचक निरीक्षण। पलामू के छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी एनपी गुप्ता ने शुक्रवार को धान अधिप्राप्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया। बता दें, उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा न तो कटौती की जाएगी, न ही किसी तरह की राशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों को धान उतारने और ढाला लगाने के लिए अपना मजदूर लगाना होगा या केंद्र में उपस्थित लेबर से मजदूरी की बात करके ही उतरवाना होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का खर्च नहीं देना है। उन्होंने किसी प्रकार की परेशानी होने पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को जल्द से जल्द सूचित करने का निर्देश दिया। उर्मांझी युवती हत्याकांड में राशि बढ़ाकर की 5 लाख। राजधानी रांची के उर्मांझी थाना क्षेत्र में शनिवार को हुई युवती की हत्या मामले में अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आया है। इस बीच रांची पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। बता दें कि युवती की जानकारी देने वाले को पहले 25,000 देने की घोषणा थी, फिर राशि को दोगुना कर 50,000 कर दिया था और अब 5 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया है। डीएलएड पास अब बन सकेंगे सरकारी शिक्षक। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS से डीएलएड पाठ्यक्रम उत्तीर्ण राज्य के लगभग 53,000 शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बता दें, इनका सरकारी शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने NIOS के DLED पाठ्यक्रम को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्यता 6 जनवरी को दी है।